हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पंस व्लॉग। सो ये जो व्लॉग है बहुत ही ज़्यादा मैं इस वीडियो को इसलिए शूट क्यों ना कि मतलब मेरे साथ एक मेमोरी रहे, यू नो। सो ये जो डॉगी है ना, ये इसका सेकेंड डे है, मतलब मैं इसे सेकेंड डे मिल रही हूँ। फर्स्ट डे में मिली थी तो इसको मैंने खिलाया था, फिर सेकेंड डे देखो ये डॉगी क्या है ना, मेरा हर दिन वेट करता है, हर दिन घर के बाहर। फिर मैं यहाँ आ गई थी इसको रोटी खिलाने के लिए, एंड बहुत लोग का भी कमेंट आएगा कि यार तुम खिलाने वक्त भी फ़ोटोज़ लेती हो, वीडियो लेती हो। तो भाई ऐसा नहीं है, सॉफ्ट नहीं है, मतलब एक वो है यार, एक अटैचमेंट है मुझे ना जानवरों से, एक अटैचमेंट हो जाती है पता नहीं क्यों। और मैं वीडियोज़ इसलिए बनाती हूँ ना ताकि मैं जब बाद में देखूँ ना तो मुझे अच्छा फील हो, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं अपनी जब वीडियोज़ ऐसी कुछ वीडियोज़ देखती हूँ। फिर मैंने इसको रोटी खिलाई, और इसके बाद क्या हुआ था ना, ये जिस दिन आया था उसको उस दिन मैंने रोटी खिलाई थी, और ये सेकंड है। एंड ये ना मेरे घर के बाहर जो होता है ना, थोड़ा सा आउटर एरिया है, उधर ही आ जाता है। फिर उसको रोटी देने के बाद मैं सोची इसको पानी दे देती हूँ, फिर मैं इसको इसी को वॉश करके एंड मैंने इसको पानी दिया। तो मैं वैसे पानी डेली रख देती हूँ इसमें ताकि कोई भी यार मतलब बर्ड वगैरह हो तो पी बोले, मैं डेली रख देती हूँ पानी। फिर इसको डॉगी मैंने पानी दे दिया, और इसके बाद क्या होता है ना, यहाँ जो ये सूखा सूखा पूरा ड्राई एरिया था ना, तो मैंने इसको ना थोड़ा सा पानी इस पर स्प्रेड कर दिया ताकि ये थोड़ा ना मतलब वेट हो जाए और थोड़ी ठंडक मतलब ठंड हो, क्योंकि यार गर्मी बहुत है। और मुझे पता था ये डॉगी को ना बहुत गर्मी भी लगती है, मैंने बहुत बार इसको देखा ना जहाँ हम लोग का मोटर है ना उसके नीचे जाके मतलब बैठा रहता है, तो मैं ऐसे थोड़ा पानी स्प्रेड कर देती ताकि बैठे। और इसके बाद क्या होता, फिर देखो ये फिर आ गया था, तो फिर मैं इसको बोलती चलो पानी पी। और इसकी क्या हैबिट है ना गाइस, जब तक मैं इसको मतलब टच ना करूँ ना, ये मतलब इसको लग इसे पता है, ये इसको ना ऐसा फील होता है कि मुझे टच करे कोई, होता ना कि जब इसको टच करती हूँ तब ये खाना खाता है ऐसा। ये तो आज तो चलो नॉर्मल था, लेकिन अगले मतलब कुछ दिन तक ना मैं इसको जब खाना देती तो खाना नहीं खाता था। फिर जब इसके मैं सर पे थोड़ा सा ऐसे हाथ फेरती थी ना तभी बंदा मतलब खाने लगता था, सोच लो ये ऐसा डॉगी है। फिर ये मतलब देखो फिर ये आ गया था मेरे पास, और फिर मैं इसको थोड़ा प्यार करने लगी थी। एंड उसके बाद देखो ये फिर ना मैं इसे अंदर आ रही थी तो ये भी मेरे साथ आ रहा था, फिर मैं इसको अंदर तो ला नहीं सकती हूँ, डर तो लगता नहीं यार मतलब इससे नहीं घर वालों से, क्योंकि यार कोई कुछ बोल रहा तो अच्छा नहीं लगता ना। फिर मैं इसके लिए ना ब्रेड ले आई थी, क्योंकि रोटी एक ही थी तो मैं इसको दे दी थी, और नहीं दो थी, इसको मैंने पहले एक बार दी थी फिर बाद में दे दी एक टू, तो फिर आप बना सकते नहीं जल्दी जल्दी में, तो फिर मैं सोची इसको ब्रेड दे देती हूँ। और ये देखो ब्रेड खा ही नहीं रहा था पता नहीं क्यों। फिर मैं क्या कि थोड़ी देर के बाद ना थोड़ा ब्रेड को ना मतलब पानी में भिगा दी ताकि मैं इसको दे सकूँ। इसके बाद क्या होता, फिर गए जानते हो ये ना रात में भी आ गया था, ये तो दिन की वीडियोज़ है, फिर रात में आ गया था। मैं सोची यार मतलब ये रात में ना गेट के बाहर मेरा वेट ही करते रहता है। सो फिर क्या मेरी इससे फ्रेंडशिप हो गई, और ये डेली मेरे घर के बाहर आता है और मैं इसको डेली कुछ ना कुछ खिला देती हूँ। और फिर क्या ये मतलब सुबह भी आ जाता है, रात भी आता, रात बैठ रहता है, मैं इसको खाना दे भी देती हूँ तो भी बंद मतलब तो भी ये डॉगी बैठे ही रहता है। सो कैसा लगा आपको ये व्लॉग, प्लीज़ कमेंट डाउन एंड सब्सक्राइब माई चैनल।